मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में आबकारी विभाग शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग और तस्करी को लेकर गहराई से जांच कर रहा है। इसी बीच रुड़की में 130 से अधिक दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश सरकार को लंबे समय से प्रदेश में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग और शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस कड़ी में रुड़की में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कई दुकानों में शराब के ओवर रेट और कई खामियां पाई गई, जिस पर रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शाशनी ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रुड़की में पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता पर भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या माफिया पत्रकारों के साथ अभद्रता करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 4 से 5 दुकानों की चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान हमने देखा है कि दुकानों में रेट लिस्ट लगी है, बट सभी चीजों की रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है। फॉरेन लीकर की स्पेशली हमें रेट लिस्ट कहीं भी नहीं मिल पा रही है। एंड कुछ जगह जो ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट थी, तो हमें ऐसी 2-3 दुकानें मिली हैं जिसमें ओवर चार्जिंग है, तो अभी हम रिपोर्ट बना के भेजेंगे और जिसमें जो भी हमारे नियम अनुसार जितना भी उनको फाइन लगेगा वो सभी लग जाएगा उनको। तो ये हमारी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट आती रहती थी कि यहाँ काफी ओवर चार्जिंग होती रहती है, तो हम लगातार ऐसे एक्शन लेते रहेंगे जहाँ पे भी ऐसी कंप्लेंट आती रहेंगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।